नगर परिषद केवलारी में मचा घमासान। अध्यक्ष पति और उपयंत्री का झगड़ा पहुंचा पुलिस थाने। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की नगर परिषद केवलारी में कामकाज के दौरान हुई तू-तू मैं सब इंजीनियर ने नगर परिषद केवलारी के अध्यक्ष पति की दखलंदाजी करने का आरोप लगाया। उपयंत्री ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद के कामकाजी कार्यों के दौरान अध्यक्ष पति ने पहुंचकर अभद्र व्यवहार कर मारने की कोशिश की। उक्त विषय को लेकर उपयंत्री द्वारा पुलिस थाने पर आवेदन देकर शिकायत की और साथ ही साथ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व संदीप श्रीवास्तव से जाकर शिकायत की। उक्त मामले पर नगर परिषद केवलारी से चुने हुए पार्षदों के द्वारा भी अध्यक्ष पति के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर परिषद केवलारी में कोई भी विकास कार्यों को लेकर जब चर्चा की जाती है या एजेंडे पास किए जाते हैं तो उसमें नगर परिषद के अध्यक्ष के पति के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, जिसको लेकर पार्षदों ने पहले भी धरना आंदोलन और प्रदर्शन किया है, लेकिन आज तक इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी बीच जब मामला थाने तक पहुंचा तो वहां पर नगर परिषद उपाध्यक्ष और नगर परिषद के अध्यक्ष के बीच भी कहासुनी लंबी चली। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष से जब हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका कहना ये पाया गया कि नगर परिषद के कार्यों की निष्पक्षता एवं विकास कार्यों के लिए जो भी काम निरंतर किया जा रहे हैं उसको रोकने का प्रयास राजनीतिक रूप से होता है और केवलारी से जुड़े जनहित के विकास कार्यों को रोकने के लिए ये साजिश है। अध्यक्ष पति भी केवलारी के जिम्मेदार नागरिक भी हैं और उन्होंने आकर काम पूछ लिया तो इस पर नाराजगी किस प्रकार की नागरिक होने की जिम्मेदारी निभाते हैं, उन्हें क्रिया की प्रतिक्रिया ही दी है। इसकी जांच करवाने के लिए हम भी आवेदन देने जा रहे हैं। मैडम आपकी मर्जी से हुआ था, यहाँ सभी लोग बैठे थे, आपने यहाँ पे कोई भी विरोध किया जबरदस्ती ये वो नहीं है। अरे भाई किसने विरोध किया किसी बात का? देखो ये 23 एजेंडे है ना, 23 एजेंडे जारी। अब इनका कहना है कि 23 एजेंडे जारी हुए, जो 69 नहीं हुए। मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ अरे उसका मैसेज हो गया भैया, ना करो रहने का मैसेज नहीं है भाई जी, जबरदस्ती खाएगी नहीं, पैसा नहीं है, मैं काम करने के लिए नहीं भाई। आज यदि बैठक एक बार बताओ, यहाँ तुम सब लोग आए हो ना, छोटे लोग देखो भाई, मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ। यदि कोई टकराएगा तो मैं कोई ऐसा काम कर वो नहीं हूँ, कोई टकराएगा तुम्हें टकराने के लिए हर तैयार, हर प्रकार से तैयार रहता हूँ। अरे ठीक है, बात किया क्या तू कर रहा मुझसे बात? अबे तू हट, अरे अरे यार भैया के दिखा, गलत बात है भैया, गलत बात। आप अधिक कर्मचारियों के साथ आप ऐसे बात नहीं कर सकते, गलत बात कर रहे हो, आप गलत बात कर रहे हो, उसकी बात नहीं, आप गलत बात नहीं, ये गलत तरीका है आपका। मैंने बात किससे? परिषद के अंदर से नहीं, आप परिषद के अंदर आके कर रहे हो, गलत बात है, नहीं। लेकिन वो बैठे नहीं, लेकिन यहाँ नहीं बोलने के, नहीं लेकिन आप यहाँ परिषद की बैठक में नहीं बोलने, नहीं परिषद की बैठक, हाँ परिषद की बैठक, लेकिन वो भी ऐसे नहीं बोल रहे ना, आपके जैसे अनाधिकृत तरीके से नहीं बोल रहे ना, अधिकारी कर्मचारियों को डरा धमका नहीं रहा है ना वो। आप अपनी मर्यादा हाथ करके खराब कर रहे हो, अभी किया हूँ ना करूँगा। हमारी अध्यक्ष मैडम के सामने बैठ के सारी बातचीत हुई है बढ़िया, अभी भी आपने इतना अपमान कर रहे हो, उनको हटा कर लेंगे, उसमें तो बातें नहीं कर रही हूँ मैंने, उनको भी अपमान कर रहे हो, उनका अध्यक्ष के सामने हमारे अपमान, अध्यक्ष आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो, आप लोग कर रहे हो, आप उनको हटा के लेंगे यहाँ से, आप बड़े समझदार नहीं है, उठा के इसलिए ले रहे हो, नहीं सूचना अध्यक्ष को तो सर वहाँ बैठ रहे हैं जी, और गलत बात है, आप अनावश्यक ईगो बना रहे हो, ईगो नहीं। नगर परिषद उपाध्यक्ष केवलारी, आज हम लोग अपने साथियों के साथ, पार्षद साथियों के साथ में नगर परिषद के सभा कक्ष में आवश्यक कार्यों को लेकर बैठकर चिंतन मनन कर रहे थे। इस बैठक में माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी यहाँ सुनीता बघेल जी, उनके साथ में CMO साहब, सब इंजीनियर साहब और ऐसे हम 12 से 14 लोग वहाँ मौजूद थे। बैठक और ये रेगुलर कार्रवाई के दौरान अध्यक्ष पति देवी सिंह बघेल वहाँ आए और उन्होंने पहली बार तो
अध्यक्ष को वहां से उठा कर ले गए कि चलिए उठिए, वो बाहर गई। उसके बाद में 15-20 मिनट के बाद में वो स्वयं आए और माननीय अध्यक्ष जी भी आई साथ में। अध्यक्ष जी ने कुछ भी नहीं कहा वहां पर, ये हमेशा अनाधिकृत रूप से नगर परिषद के काम को प्रभावित करते हैं, दखलंदाजी देते हैं। 1.5 साल हो गया, न पार्षद को सुनी जाती, न संबंधित लोगों को इस बात का अभी तक भी एहसास नहीं है पार्षदों को कि वो निर्वाचित होकर आए। उसी दौरान आज उन्होंने सब इंजीनियर साहब से एजेंटों को लेकर बहस करना प्रारंभ कर दिया और अमर्यादित रूप से उनके साथ में गाली गलौज की, उनके ऊपर हाथ उठाने का प्रयास किया। इसके वीडियो भी बने हुए हैं। इसी विषय को लेकर हम आज थाना प्रभारी से भी मिले हैं, उनको आवेदन दिया है और माननीय SDM महोदय के पास भी हमने आपत्ति जाहिर की है। हम लोग इसके बाद में कल JD ऑफिस जबलपुर जाएंगे, संभव हुआ तो भोपाल भी जाएंगे और हम चाहते हैं कि हमारे सब इंजीनियर को न्याय मिले। नगर परिषद क्योलारी से वार्ड क्रमांक 12 मालवी वार्ड से पार्षद में नीरज रानी ठाकुर। आज हम सभी पार्षद क्योलारी नगर परिषद में एकत्रित हुए थे नगर क्योलारी के विकास कार्यों की समीक्षा एवं उनके एजेंडे तैयार करने के लिए। इतने में हमारी चर्चा हो रही थी तो CMO साहब भी बैठे थे उस बैठक में, आदरणीय इंजीनियर महोदय भी थे। इतने में अध्यक्ष पति हमारे कक्ष में आते हैं और हमारे जो इंजीनियर साहब हैं उनसे पूछते हैं, कुछ बातें पूछते हैं और उन्हें जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तो उन्होंने भी बोला कि मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, मैं अध्यक्ष मैडम को जवाब दूंगा। इतने में उन्होंने उटपटांग बातें बोली उनको और बोलने के बाद उन्हें अनगरल शब्द बोले। इसी बात को लेके हम थाना क्योलारी में भी शिकायत की है आज और माननीय SDM महोदय के पास भी हमने शिकायत की। पूर्व में भी हमने नगर परिषद क्योलारी के भ्रष्टाचार के लिए कई बार हमने धरना प्रदर्शन किया है, आवेदन किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल पाया। परिषद केवलारी में सब इंजीनियर की पोस्ट पे हूँ अभी और आज हमारे कार्यालय में सभी पार्षद महोदय के बीच में जो है हमारे कार्यालय का जो काम होता कर रहे थे हम लोग, और इतने में अध्यक्ष पति आए और वो जो है अभद्रता करने लगे। मैंने उनसे कहा कि आप जो है पूछने वाले कौन होते हैं, हमारे नगर परिषद का काम है, नगर परिषद में जो पार्षद हैं अध्यक्ष महोदय हैं ये मुझसे पूछेंगे कि जो कार्रवाई है वो क्या है कैसी है। पर उसके जवाब में वो बहुत ज़्यादा आवेशित होकर जो है उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की और मुझे जो है जान से मार दूंगा और गड़ा दूंगा, इस टाइप की चीज़ें जो है मुझे कह रहे थे। और मैंने अभी देखते हैं क्या होता है, इस पर क्या कार्रवाई करवाई आपने, क्या शिकायत आपने अभी तक कहाँ की है इसकी? मैंने FIR के लिए पुलिस स्टेशन में आवेदन दिया है और वो पुलिस स्टेशन में भी मुझे जो है सबके सामने ये धमकी दे रहे थे कि मैं तुम्हें देख लूँगा। और सभी पार्षद महोदय वहाँ पे मौजूद थे, CMO सर मौजूद थे और सभी लोग अभी इसलिए जो है मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या आप नगर परिषद के आज CMO और उपयंत्री और कुछ पार्षद उपाध्यक्ष सहित आज आए थे मेरे पास और उनके द्वारा बताया गया कि अध्यक्ष पति का वहां पर कुछ अनावश्यक इंटरफियर है जो काम धाम नहीं करने दे रहे हैं और लगातार कुछ ना कुछ समस्या क्रिएट कर रहे हैं, उसी संबंध में उन्होंने एक आवेदन दिया है और अपनी बात मुख्यमंत्री से क्या कुछ कार्रवाई का आपने आश्वासन वगैरह? अब उन्होंने जो बातें कही है वो अपन सक्षम फोरम पे भेज देंगे उनकी बात को और वहां से जो भी कार्रवाई होती है वो